माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़े बदलाव किए हैं। बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए नए अंक निर्धारित किए गए हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को लिखित पेपर पर अब 100 की बजाय 80 नंबर होंगे और पास होने के लिए 33 की बजाय सिर्फ 27 अंक लाने होंगे, जबकि हर विषय में 20 अंकों की प्रैक्टिकल परीक्षा भी होगी। हालांकि ये बदलाव 2019 की बोर्ड परीक्षा से ही लागू किया गया था, मगर इसका सही से प्रचार प्रसार नहीं हो सका था। इस कारण छात्र इस नए पैटर्न का लाभ नहीं ले पाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। परीक्षा में पास होने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इसका प्राचार्यों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। पहले मध्य प्रदेश में 10वीं क्लास में सिर्फ विज्ञान विषय में प्रैक्टिकल होता था, लेकिन अब हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामाजिक विज्ञान के लिए भी प्रैक्टिकल होंगे। वहीं 12वीं में साइंस, कॉमर्स, आर्ट और होम साइंस के सभी विषयों में भी ये पैटर्न लागू किया गया है। 12वीं में भी छात्रों को हर विषय में 80 अंकों का लिखित पेपर देना होगा, जबकि 20 अंकों की प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.